हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू बेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। सो पता नहीं क्यों मेडिटेशन कर रही थी इसके पहले, तो ऐसा लगा कि आपको अचानक से पैनिक अटैक आए थे या आ रहे हैं। सो सी कि क्या एनर्जी कहना चाहती है। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। सो जिनके बारे में सोच रहे पर्सन तकलीफ में है बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल हो सकती है, लाइफ के प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन बड़े वाले हैं और इस बड़े वाले प्रॉब्लम में कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपका होना बहुत ज़रूरी है ऐसा फील होता है, और मतलब ऐसा लगता है ना कि एग्जैक्टली पता नहीं, जैसे कि आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस दे सकते हो, कोई सपोर्ट दे सकते हो, या फिर बस आपसे बात नहीं कर लेना तो जैसे ये प्रॉब्लम है ना गायब हो जाएंगे, ऐसे फील होता है उनको। एक कंपैरिजन की भी एनर्जी है कि जैसे ना आपके साथ बिताए पल है ना वो बार बार याद आ रहे हैं किसी कंपैरिजन की वजह से। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की जो बिहेवियर है, बातें हैं, वो चीज़ है, उसकी वजह से उनको ना बहुत ज़्यादा ऐसा एहसास हो रहा ना कि इस जगह पे आप थे तभी आपने क्या किया, या आप होते तो आप क्या करते। पॉसिबल है कि ये बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना इनको बार बार आपकी याद बहुत आती है। मतलब क्योंकि इनको ना एक सादा सा सर्दी जुकाम हो जाता है ना, अभी भी शायद वो भी हो सकता है, बट उसमें जिस तरह से आप पैनिक होते हो ना, आप पैनिक होते हो कि ये हुआ कि नहीं, डॉक्टर के पास गए कि नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, आप और ऐसा नहीं कि बस कहने के लिए, आप लिटरली आप फील होता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तो वो वाली जो कंसर्न केयर है ना वो बहुत मिसिंग है, और डेफिनेटली आपकी तरफ से ना अजीब सा डिस्कनेक्ट है, या तो कम्प्लीटली बात नहीं हो रही है, या तो बात भी होने के बावजूद भी एक डिस्कनेक्ट की एनर्जी है कि जैसे आप है ना नहीं हो उनकी ज़िंदगी में, या नहीं होना चाहते ज़िंदगी में, ऐसा वाली फीलिंग दे रहे हो आप जानबूझ के नहीं, या हो रहा है, ये हो रहा है, और इस बात से ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। अगर बात भी हो रही होगी ना तो ये बार बार आपको पूछ रहे होंगे कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें हुआ क्या है। अगर नो कॉन्टैक्ट जोन भी है ना तो शायद इनको ना आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, इनको बार बार आपका चेहरा दिखता है कोई इंसान में, कोई किसी की बातों में, कुछ भी है, लेकिन ना आपकी एनर्जी आसपास घूम रही है। स्पेशली अगर नो कॉन्टैक्ट जोन है तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मतलब बात बात पे याद आ रही है कि कोई इंसान ऐसा दिखता है, तो कोई बातें ऐसी होती है कि किधर आपका नाम दिखता है उनको। आप दोनों के बीच में एक कार्मिक साइकिल एंडिंग है, जो एक निर्णय है, एक डिसीजन है, एक इस कार्मिक फेज है कुछ है, तो वो कंप्लीट होने के कगार पे है, और ये लिटरली शनिदेव की कृपा है, क्योंकि ये उनके बगैर कोई नहीं कर सकता, कि कर्मा क्लिनजिंग की एनर्जी है, हर एक को अपने कर्म समझने पड़ेंगे। पॉसिबल है आपको ना 111 की एनर्जी है, 111 एक नई शुरुआत है आपकी तरफ, या तो ये पर्सन आपकी तरफ एक सॉलिड नहीं बट एक ऑफर लेके आ रहे हैं, या तो आपकी तरफ कोई तो एक पर्सन है या नया पर्सन है वो ऑफर लेके आ रहा है,
आपकी ज़िंदगी में कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है, वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ रिश्ते के लिए नहीं, कोई काम के लिए हो सकती है और कुछ है जो नया करने का एक आपको ना एक अपॉर्चुनिटी या अवसर दे रही है। इन्हें बार बार ऐसा एहसास हो रहा है ना, स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू। माना कि इनके लाइफ में ना प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत अच्छा है, मतलब इन्होंने बहुत प्रैक्टिकली अपने आप को कंट्रोल किया और सब कुछ है, लेकिन इनका जो अंतर्मन है, सबकॉन्शियस माइंड है या एक स्पिरिचुअल पावर है आसपास, वो उनको बार बार यही कह रही है कि संभल लो, या तो कुछ ऐसा खो सकते हो जो बहुत खास है, बहुत खास है। और ये मतलब हो सकता है ना कि ये इन्होंने बात ये बार बार समझी ना हो कि शायद आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है कि आप कहीं जा ही नहीं सकते, आप कुछ कर दूसरा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते या कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। बट इस बार इनको एहसास हो रहा है ना कि जैसे वो जो है ना कि चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबा कल हो ना हो। लिटरली ऐसी एक वाइब्स है, ऐसी लिटरली एक लाइन है, एनर्जी है, वो उनको बार बार सुनाई दे रही है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में वगैरह ना इनका कोई भी तरीके से ना ऐसा कुछ खास क्या कहते हैं कि खास कुछ बन नहीं रही है, या फिर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अनबन है, बहुत ज़्यादा कोई पॉइंट पे एग्री करना ना इनको बहुत मुश्किल हो रहा है, कि पसंद नापसंद में एग्री करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इन्हें अभी ना यही सारी चीज़ें जो थर्ड पार्टी के साथ डिसएग्रीमेंट है या मन मुटाव है या जो भी है ना, उनको स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे, जिस तरह से ये प्रैक्टिकल लेवल पे ही आपके रिश्ते को तोड़ते आए थे ना, वैसे ही फील हो रहा है। तो प्रैक्टिकली सही नहीं है ये सब बिहेवियर, उनका बातें, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, ये सब प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। एक वक्त था जब थर्ड पार्टी की तरफ ना इनका एक इमोशनल झुकाव था, या बस मतलब है पेरेंट्स हैं तो इसके लिए कुछ भी हो जाए, पेरेंट्स हैं या फिर कुछ भी हो जाए, रिश्ते हैं निभाने हैं या कुछ भी है, पता नहीं क्यों अभी इस बात पे ना एग्री नहीं हो रहे। और ऐसे नहीं कि जैसे पेरेंट्स हैं तो रिस्पेक्ट नहीं या रिश्ता तोड़ना ही चाहते, वो तो कैसे टूटेगा, वो खून का रिश्ता है। बट समाव ये जो बात बोल रहे ना उसमें वो प्रैक्टिकलिटी ढूंढ नहीं पा रहे, एक लॉजिक नहीं ढूंढ पा रहे कि हाँ ये कैसे पॉसिबल है, ये क्या चीज़ है। इनफैक्ट इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो ये आपके साथ करते हैं ना, मतलब कि कितना भी कुछ दे रहा है ना इंसान, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, कोई और इम्पॉर्टेंट हो रहा है। पॉसिबल है कि जैसे ना ये अगर मैरिड है तो अपने पेरेंट्स को या अपनी प्रायोरिटीज़ को या अपनी सोच को, पसंद नापसंद को प्रायोरिटी देते आए थे, पहले से ही देते आए, बट इनको अभी एट ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज़ हो रहा है कि ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। थर्ड पार्टी है ना अपनी, मतलब फॉर एग्जांपल अपने माँ बाप है, उनको प्रायोरिटी है, आपको नहीं। आप हमेशा समझ रहे हैं ठीक है कि ये भी है वो भी है, और या फिर पेरेंट्स हैं तो हो सकता है कि आप सिबलिंग्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या फिर इनकी जो सोच है इनको इनको भी एक अपनी पसंद नापसंद का मौका देना चाहिए, ये भी शायद सही हो सकता है। इस बात की प्रायोरिटी नहीं है या कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। इन्हें आपकी याद है ना बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, पेन में है, बीमार है, और इन्हें ना आपके अलावा कुछ नहीं सोचा है, आपके अलावा कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि अगेन फील हो रहा है कि ये कनेक्शन ही अलग है, कनेक्शन ही अलग है, ये
ये फेज से आप भी गुजर चुके हों। हालांकि आपका ऐसा है ना कि आप सुख में हो दुख में हो, हर हाल में आपने इन्हें ही ऐसे याद करने, ज़रूरत के लिए नहीं किया, आपके दिल में हमेशा ये बसे हैं और बसते रहे हैं। थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, बट इनको बहुत ज़्यादा एक जैसे आपने जो साथ छोड़ा है या एनर्जी वाइज भी तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि जैसे लाइफ का ना एक अटूट हिस्सा जैसे टूट रहा है वाली फीलिंग आ रही है। और सोल इस बात को ना अग्री नहीं कर रहा है, ये सोल खोनी नहीं देना चाहता। चांसेस है ये कॉल मैसेज करेंगे आज या कल में, इस चांसेस है आज या कल में ये कॉल मैसेज करेंगे और बार बार यही पूछेंगे कि तुम्हें हुआ क्या है, क्यों बात नहीं कर रहे हो या क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, स्पेशली क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्या हुआ है, क्या हुआ है, जबकि आपका आंसर है कुछ नहीं हुआ है। तो वो चीज़ है और वही चीज़ सच में आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करें, और जो बात सुननी है, जो बात पे बात करनी है, उस बात पे ये बात नहीं करना चाहते। तो जब तक ये बात नहीं करना चाहते, इनफैक्ट वो बात भी लगे लाइक वो कमिटमेंट है, वो जो भी बातें हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी आप फिलहाल लिसनिंग मोड में हो, आप ना सुनना चाहते हो क्या चल रहा है। इनफैक्ट आप काफ़ी कम उम्मीद लेके बैठे हो, इसलिए नहीं कि निगेटिव हो रहे हो, बट समाओ आपको पता नहीं क्या हो रहा है, आपको लग रहा है कि क्या सोचे क्या नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है। पॉसिबल है आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं, आ चुके हैं या आ रहे हैं, सो बेटर आप है शांत रहो, अपने आप को किसी चीज़ में बिजी करो, जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, दोस्तों के साथ जाना पसंद है, हर चीज़ अपने आप को बिज़ी करो, सिर्फ एडिक्टिव हैबिट्स में मत बिजी। एडिक्टिव हैबिट्स, क्योंकि एडिक्टिव हैबिट्स का प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी डिसीजन मेकिंग या सोच को बस ठंडा कर देता है। स्टार, टेम्परेंस, हर्मिट, जस्टिस, सब मेजर रखना चाहे हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ हैंड्स। सो एक नई शुरुआत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि ये जो कार्मिक साइकिल एंडिंग है ना, ये जस्टिस की एनर्जी, कर्मा की एनर्जी, शनिदेव की एनर्जी है, और ये आपको इस तरह देख रहे ना कि आपकी वजह से, आप होने से, जैसे मैंने कहा ना कि एक आप लाइफ में जो सॉल्यूशन दे रहे हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो या किसी भी बात में, ऐसी बात है ना कि कुछ अलग ही है, आपसे बात करके भी अच्छा लगता था और एक अलग इम्पोर्टेंस है, एक अलग पर्सपेक्टिव है, एक सॉल्यूशन है, और जिस तरह से बीमार भी है तो जिस तरह से पैनिक होते हैं वो किसी भी इंसान को अच्छा लगता है कि कोई हमारी इतनी परवाह करता है, कदर करता है। शायद उस वक्त इन्होंने तभी वो सोचा नहीं होगा, जब नॉर्मली इंसान को जब आसानी से तो चीज़ें मिलती रहती है तभी कुछ एहसास नहीं होता, तभी अभी ये एहसास स्ट्रांगली हो रहा है कि कुछ मिसिंग है और वो बहुत खास है। तो जस्टिस की एनर्जी है और पॉसिबल है कि इनकी जो थर्ड पार्टी के साथ है ना, वो कार्मिक साइकिल एंडिंग है, कार्मिक साइकिल एंडिंग है कि ये जो सोच लेके पकड़े, मतलब ऐसा नहीं कि पेरेंट्स से रिश्ता तोड़ने के, बट वो जो सोच है पेरेंट्स की कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ये सोच को अभी ये टक्कर देना चाहते हैं कि नहीं ऐसा क्यों नहीं हो सकता, वो ये चीज़ है। तो फिलहाल तो ऐसे एकदम हर्मिट मोड एंड फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है कि समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ जैसे मैं कहा ना कि वो उस हाथों को तुम थाम लो, वो मेहरबा कल हो ना हो, वो वाला डरा रहा है सेंटेंस उनको, वो जो फीलिंग है वो डरा रही है। तो इसके लिए लेकिन आपसे बात करने के लिए मतलब करनी है, बट क्या कैसे, और पॉसिबल ये अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे इंसान से जैसे आप टैरो रीडिंग कंसल्ट करते हो वैसे कंसल्ट कर रहे हैं शायद कुछ लोगों में,
और कुछ लोगों में अपने दोस्त या खास दोस्त से कंसल्ट करें कि क्या मतलब ये क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं, तो वहाँ से भी वही वही चीज़ फील होती है, वही आंसर शायद वही कहा जा रहा है उनको कि उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबा कल होना हो चीज़ है। तो यदि रीडिंग बहुत अलग है, पॉजिटिव है, एक्चुअली मुझे अच्छा इसलिए लगा है क्योंकि एक इंसान जिसे आप बहुत प्यार करते थे, जिसने आपकी कदर कभी नहीं की, बट उसको आपकी कदर होने लगी है अगर आपने अपने पर काम किया है और आपने वो जो एक डिसकनेक्ट एनर्जी जानबूझ के नहीं बट एक हीलिंग तौर पे ली है, तो डेफिनेटली फ़र्क है इस सिचुएशन में। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।